हाँ जी, आज मेरा टॉपिक है कि स्टडी वीजा इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया दे रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी इनक्वायरी है तो साढ़े किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हो। जिवें कि साउथ कोरिया का जो स्टडी वीजा है ये डाक्यूमेंट्स की चाहिए है जो आप स्टडी वीजा अप्लाई करना है। सब तो पहला तो थोड़े अकेडमिक डाक्यूमेंट्स होंगे है जिमें कि 10वीं का 12वीं का जो थोड़ी लास्ट एजुकेशन है 10th तो लैके लास्ट एजुकेशन तक थोड़े अकेडमिक डाक्यूमेंट चाहिए है। पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए है एंड थोड़ा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए है जो कि इंग्लिश के ट्रांसलेट होया हो। इस थोड़ी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए जो कि 7 तो लैके 8 लाख रुपया हो। फ्रैश फंड भी चल जूगा एंड तुसी अपने पेरेंट्स के अकाउंट के भी फंड शो कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट मस्ट है जो कि एडमिशन लैटर जो अप्लाई करना उदों ये जरूरी चाहिए है। हुण जिहड़े कैंडीडेट कहणगे कि असीं विदाउट आईलेट साउथ कोरिया दे विच अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आर्ट्स दे विच स्टडी की है पंजाबी मीडियम दे विच स्टडी की है हिंदी मीडियम दे विच स्टडी की है वह बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते साउथ कोरिया दे विच। एडमिशन लैटर थोड़ा नहीं आऊगा जे तुसी आईलेट्स की है 5.5 बैंड है दैन चांस है अदरवाइज थोड़ा एडमिशन लैटर नहीं आऊगा क्योंकि जो प्रैफरेबल जो प्रैफर करते हैं थोड़ी जो स्टडी है वो लास्ट स्टडी इंग्लिश मीडियम के बिच ही होनी जरूरी है। जे थोड़ी किसी भी तरह की कोई भी इनकवायरी है रिगार्डिंग साउथ कोरिया या शैनिगन तुसी साडे नाल किसी भी टाइम संपर्क करो। सत श्री अकाल जी।